ये देखो, 26A की गड्डी में, 26A के काम में फुर्री कैसे लगाते हैं स्पीड से, बहुत जल्दी फुर्री कैसे लगाएंगे एक एक पत्ते की, बिल्कुल। तो ये दूसरा तरीका है। तो ये अभी 26A की गड्डी नहीं है, तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास है नहीं 26A की, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं बनाऊँगा तो उसके बाद में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 26A की गड्डी में कैसे करते हैं आपको पता ही है, इस तरीके से ऐसे पत्ते निकाल के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये दो पार्ट बन गए इस तरीके से, ये सपोज करो। अब आपको करना क्या है, मैं आपको सिखा देता हूँ। बिल्कुल एक एक पत्ती की फुर्री, मेन चीज पकड़ देखो, पकड़ कोने में पकड़ना कैसे है। देखो ये दो पार्ट हुए हैं, ये दो उंगली इधर रखनी है, ये दो उंगली इस तरफ रखनी है, अंगूठे को ऐसे ऐसे पकड़ ली। अब ये दो उंगली ऐसे रखो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये कोने में कोना मिलाना है आपको, कोने में कोना कौन सा, ऐसे ऐसे रखेंगे तो ये कोने में कोना मिला दो, थोड़ी सी छाया। ये देखो इस तरीके से ये पकड़ी, बिल्कुल एक जैसा कर लेना, बीच में अंगूठा रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो कोना है, ये वाला कोना गड्डी का, ये कोना और ये वाला कोना, इन दोनों को मिलाना है ऐसे, बिल्कुल ऐसे ऐसे मिलाना है आपको, और नीचे रखना है, यानी कि नीचे रखते रखते ऐसे मिला दोगे आप कोने को, ठीक है। और कोने को मिलाओगे तो जो अंगूठा है, अंगूठा ये वाला अंगूठा, जो अंगूठे है ना दोनों, तो इसको बिल्कुल देखो, इसको ऐसे बिल्कुल इस तरीके से ऐसे कर देना, धीमे बिल्कुल आराम से कर देना, स्पीड में कर देना इस तरीके से। कैसे करोगे, जब ये कोने में कोना मिल जाएगा, ऐसे ऐसे कोने में कोना मिला दिया। अब ये अंगूठा है ना, अंगूठे से जैसे इस तरीके से करते हैं ना, इस तरीके से ऐसे ऊपर तक नहीं करना, ज़्यादा ज़्यादा ऊपर तक नहीं उठाना, ज़्यादा ऊपर तक ऐसे 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 नहीं करना, इतना ज़्यादा बेंड नहीं करना है आपको। आपको गड्डी को कितना मोड़ना है, यानी कि थोड़ा सा वहीं की वहीं, इतना देखो ये कोने में कोना मिल गया जी, इस तरीके से। सही से वीडियो बन नहीं पा रही है, ये देखो जैसे ये कोने में कोना मिल गया इस तरीके से, ये दूसरी गड्डी में। तो ये जो अपना अंगूठा है, अंगूठा तो इससे इतना ज़्यादा मत उठाना, इतना ज़्यादा मत उठाना, जो ज़्यादा उठ गई, कितना उठाना है आपको, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना करा थोड़ा सा, जो कोने में कोना मिला है थोड़ा सा उठाओगे ऐसे, वहीं की वहीं ऐसे, यहीं की यहीं ऐसा। कुछ समझ में आ गई, देखो फिर से और समझा दूँ। ये दोनों गड्डियों के ये कोना मिला दिए, ठीक है। अब आपको ये दोनों अंगूठों से क्या करना है, ये वाला अंगूठा और ये वाला भी अंगूठा होगा, तो ये कोने में कोना मिल गया सपोज, ठीक है। तो बिल्कुल वहीं की वहीं इस तरीके थोड़े से बेंड करके यहीं की यहीं कर देना है ऐसे करके, इस तरीके से, तो पूरी फर्री लग जाएगी आपकी, समझ गए किस तरीके से, देख लो समझ लो। ये अपनी आधी आधी गड्डी हो गई 26A की, ठीक है। 26A में दो पार्ट होता है ना, ठीक है। तो दो पार्ट ऐसे रखे हैं, मेन चीज आपको पकड़ मैंने बता दी, दो उंगलियां इधर देखो ध्यान से, देखो देखो ये अंगूठा बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, कोने में कोना मिलाया, ये कोने में कोना मिला दिया। अब आपको दिख नहीं रहा तो देखो मैं दिखाता हूँ, ये इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से करना है आपको, ये कोने में कोना मिलाना है इस तरीके से, समझ रहे हो बात को। ये दोनों पार्ट के कोने में कोना मिला दिया यहाँ पर नीचे, अब ऐसे रख दिया, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सिखा रहा हूँ मैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बढ़िया सीख जाओगे। ये देखो ये कोने में कोना मिला दिया, मिला दिया। अब गड्डी को ज्यादा नहीं उठाना, वहीं की वहीं थोड़ी सी फैल रही है, ये कोने में कोना मिलाया, ठीक है, और वहीं की वहीं आपको करना है ऐसे, ये तो बस ये लग गई फुर्री, इस तरीके से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ गए, एक बार फिर से समझ लो, कोने में कोना मिलाना है और हल्के से ऊपर की तरफ, फिर से समझा दूं। देखो मेन चीज पकड़ देखना है, दोनों हाथों से इस तरीके से पकड़ रहेगी, ठीक है, अंगूठा बीच में रहेगा, बाकी की दो उंगलियां बीच में इस तरीके से, देखो समझ रहे हो ना, देखो ये अंगूठा है, ये दो उंगलियां इधर है पीछे, इस तरीके से पकड़ना पहले,
आपको पहले इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। और ये उंगलियां मेन चीज गड्डी को पकड़ना होती है, सही तरीके से पकड़ोगे तो जल्दी काम सीख जाओगे, ठीक। अब क्या है, ये कोने में कोना मिला दिया, जैसे ये कार्ड का जमीन में रख के इस तरीके से, तो ये कोने में कोना मिलाया, कोने में कोना मिलाया, तो ये अंगूठा है, इसी से मतलब वहीं की वहीं कर देना, यानी कि बहुत, देखो फिर से समझाऊं मैं, इतना ज्यादा मत मोड़ना, कितना मोड़ोगे, बहुत थोड़ा सा वहीं की वहीं, अब वहीं से इस तरीके से कर दोगे बस, ये आपकी फुर्री लग जाएगी। फिर से देख लो एक बार, देखो देखो, ये कोने में कोना मिलाया, गड्डी फैलनी नहीं चाहिए वहीं की वहीं, अब ये वहीं की वहीं आपको इस तरीके से ये फुर्री लग गई आप ये, ठीक है। तो इसमें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, इसमें आपको ये वाली फुर्री लगाने में मुश्किल से आपको 15 दिन, 15 दिन प्रैक्टिस करनी है आपको, ये वाली फुर्री आप सीख जाओगे बढ़िया तरीके से। और ये वाली भी फुर्री प्लास्टिक में ज़्यादा अच्छी होती है, कागज़ में भी हो जाती है ये वाली, लेकिन प्लास्टिक में ज़्यादा अच्छी होती है, प्लास्टिक में जल्दी स्पीड से होगी, ठीक है। समझ गए भाई फुर्री कैसे लगाने हैं, मेन चीज़ पकड़ होती है, कोने में कोना मिलाना है, बस वहीं की वहीं आपको अंगूठी की सहायता से इस तरीके से ये प्रैक्टिस करना, जैसे पूरी गड्डी उठा ली आपको आधी उठानी है, ठीक है, आधी यानी कि 26 ही गड्डी बना ली मैंने, ये आधी आधी उठा ली, उठा ली, तो बस आपको ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ये इस तरीके से, समझ रहे हो ना, इसको बहुत ज्यादा मोड़ना नहीं है, इसको थोड़ा ही मोड़ना है, थोड़ा ही मोड़ना, थोड़ा सा ही, बस यहीं से यहीं, यहीं की यहीं प्रैक्टिस करनी है आपको इस तरीके से। और सुनो, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको एक एक पत्ते ही गिरे, इसमें आपका जरूरी नहीं है एक एक पत्ता गिरे, उसमें एक एक पत्ते की फर्री लग जाएगी, इसमें आप जितनी भी जल्दी कर दो तब भी लग जाएगी, समझ रहे हो बात को, आप प्रैक्टिस करोगे काम हो जाएगा, 15 दिन लगेंगे काम हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, ठीक है भैया, धन्यवाद।